इस लेक्चर के अंदर आज हम डिटेल के अंदर बात करेंगे कि इस कोर्स का एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्या है और ये कोर्स किन लोगों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर आज हम डिटेल के अंदर बात करेंगे कि इस कोर्स का एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्या है और ये कोर्स किन लोगों के लिए है। तो चलें चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे चल के देखते हैं कि इस कोर्स का एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव है क्या और इसको किन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो जी हाँ, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, आज हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव कोर्स का डिस्क्राइब करेंगे और क्यों आपको वर्डप्रेस स्टार्ट करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वर्डप्रेस को सीखने के बाद एक कोई भी बंदा, चाहे वो बिगनर लेवल पे है या इंटरमीडिएट लेवल पे है या एडवांस लेवल पे है, वर्डप्रेस की एक अच्छे तरीके से नॉलेज ले और वर्डप्रेस को एज अ स्किल परसू करके एक अच्छा इनकम जनरेट करे। अब यहाँ पे आपको सब चीज़ें सिखाई जाएंगी, आप चाहे डोमेन की बात कर रहे हैं चाहे होस्टिंग की बात कर रहे हैं, वो अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कोर्स का आउटलाइन। तो अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको एक कंप्लीट वर्डप्रेस डेवलपर बनाने का है, जिसके अंदर आप बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस की तरफ चलेंगे। और इसके बाद जो हमने बात की है इसके अंदर के ब्यूटी क्या है वर्डप्रेस की, क्यों हमें वर्डप्रेस को अहमियत देनी चाहिए। आपको किसी भी जो है, वर्डप्रेस एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर CMS है, तो आपको किसी भी प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं पता, इवन ये भी नहीं पता आपको कि वर्डप्रेस है क्या, तो भी किसी चीज़ का परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर डिटेल में बात करेंगे। आपको किसी कोडिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, आपको नहीं पता कोडिंग क्या होती है, ये कुछ भी नहीं पता, तो आपको उस चीज़ का भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरे कोर्स के अंदर कोडिंग रिक्वायर्ड बिल्कुल भी नहीं है। जितने रिक्वायर्ड होंगे वो मैं आपको समझा दूंगा, और वो भी कोई इतना एडवांस नहीं है। उसके बाद जो है, आप अगर ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर आना चाहते हैं तो वर्डप्रेस आपके लिए सबसे ज़बरदस्त टूल है, क्योंकि सारी चीज़ें वेबसाइट के साथ जुड़ी होती है और वर्डप्रेस के जरिए आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे डिटेल के अंदर वर्डप्रेस एक्चुअल में क्या है, अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। और वर्डप्रेस एक SEO फ्रेंडली है, SEO फ्रेंडली, अभी आपको नहीं पता SEO क्या है, लेकिन नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसका मैंने कंप्लीट मॉड्यूल रखा है, जिसके अंदर मैं SEO के अबाउट कंप्लीट बात करूंगा और किस तरह से वर्डप्रेस की SEO कर सकते हैं उसके बाद बात करूंगा। और उसके बाद अपनी वेबसाइट को सिक्योर आपने किस तरह से करना है, और ये वर्डप्रेस कम्प्लीटली सेफ एंड सिक्योर है, हैकर्स इसको हैक नहीं कर सकते। समहाउ जो डिजिटलाइज चीज़ है वो कोई भी चीज़ हैक हो सकती है, लेकिन इसमें चांसेस कम है, क्योंकि सिक्योरिटी मेजर्स इसके अंदर अच्छी हैं और हम पर्सनली भी डिफरेंट प्लगइन्स को यूज़ करते हुए इसको मजीद सिक्योर बना सकते हैं। तो आज हमने जस्ट बात की कि कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है और ये कोर्स आपको क्यों लेना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने ध्यान में रखी हैं इस कोर्स को बनाते हुए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उसके अंदर बात करेंगे एक्चुअल में आपको इस कोर्स के अंदर क्या मिलने वाला है, कंप्लीट आउटलाइंस के अबाउट बात करेंगे कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप किस काबिल होंगे, क्या करने के काबिल होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।